नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। देश के कई राज्यों में आजकल महिलाओं और लड़कियों की चोटी कटने की घटनाओं ने सनसनी मचा दी है। अलग अलग शहरों में लगातार ये दावे आ रहे हैं कि महिलाओं की चोटी काटी जा रही है, दावों की संख्या बेहिसाब बढ़ती जा रही है। अब तक दिल्ली, यूपी, मध्यप्रदेश, राजस्थान और हरियाणा से कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं जहां महिलाओं ने अपनी चोटी कटने के दावे किए हैं। देश के राज्यों की ये 5 तस्वीरें जिसमें हरियाणा, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्य शामिल हैं। यहाँ पर महिलाओं ने दावा किया है कि उनके साथ ऐसी घटना घटी है जिससे उनकी चोटी कट गई। आज तक किसी भी तरह से इस खबर की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन जो पीड़ित महिलाएं हैं वो अपनी आपबीती बता रही हैं और अपनी चोटी काटे जाने का दावा तक कर रही हैं। वो चौंकाने वाला दावा है। जहां भी आज तक की टीम ने पीड़ितों से बात की, सभी जगह एक ही आवाज सुनाई दी कि अनजाने में उनकी चोटी किसी ने काट दी। आप सुनिए कैसे पीड़ित महिलाएं अपनी आपबीती बता रही हैं। किसका बाल है? मेरे बाल है। ये किसने कहां किसने काटा? अभी भी एक बुढ़िया आई, मैंने देखी भैया हम तो मेरी टेढ़ा परी, हमें तो गैर हुस हो गई, हमने नीचे रह लिया लाए रहो ना, तो मेरी बोई आई इस तकने की बोई आई। हम बस टीवी देख कर आए और यहाँ पे खाना खाया और फिर बस जैसे ही बात करने लगे तो 10 मिनट बाद हम अचानक से हम सोने लगे तो फिर कैंची की आवाज आई तो मैं एकदम डर के उठ गई, तो मैंने मम्मी को जगाया तो मम्मी ने कहा क्या हुआ, तो मम्मी ने मेरे बाल देखे तो बाल कटे हुए थे। एक संग मेरे ऊपर एकदम बिल्ली सी आके कूदी तो मुझे बहुत डर सो लग गया, तो मैं उठ के पेशाब करने गई तो मैंने ऐसे मुंह पे हाथ फेरा तो मेरे बाल नहीं है, मुझे एकदम डर लग गया बहुत ज़्यादा, मैं जोर से चिल्लाई फिर मुझे ऐसे गुस्सा लाए। जी स्कूल गई थी, बच्चे को लेके आई, उनके कपड़े चेक कर रहे हैं, खड़ी हुई थी, पता न लगी गिर गई थी, बेहोश हो गई, ने बाबा की पहचान से पड़ती है ना पता। तो आपको नहीं पता ये आपके बाल किसने काटे हैं? नहीं, ऐसे में मम्मी बहन के साथ सो रही थी बीच में और ऐसे चुटिया काटने वाला था, ऐसे ही दिख रहा था मुझे, ऐसा लगा कि मेरी चुटी काटेगा वो। कोई पता ना पड़ी, कोई पता नहीं पड़ी, नहीं बेचैनी हुई है, मैं सुई लगवाए का आई हूँ, दवाई लानी हूँ, पर वो नहीं होना ही पता, या वजह तो हुई है मेरी बेचैनी, खूब सोई रात को, सोई पड़ी थी जी, मैं तो कुछ नहीं देखा, मैं तो सवेरा उठ के देखी है बाल कटे मेरे, और कुछ नहीं देखा, बस कुछ नहीं तकलीफ में 11 बजे सोए रात ने, उसके बाद जी मेरे को बता कुछ। फिर सुबह जागी लड़की ने मेरी ने कही जे के आदर हुआ मम्मी, तब मेरे को मैंने देखा मेरे बाल नहीं, मैं सो रही थी। फिर क्या हुआ? पता ने मेरी छोटी बहन ने कही मुझे छुट्टियाँ, किसने कहा था आपसे छुट्टी कट गई? छोटी बहन ने कहा। कोई नजर आया था आपको छुट्टी काटते समय? नहीं आया। तो सुना आपने इन पीड़ित महिलाओं के दावों को, चोटी कटने की सच्चाई क्या है, कौन महिलाओं की चोटी का दुश्मन बन बैठा है, और अगर ऐसा ही है तो उसकी मानसिकता क्या है, ये सब जांच का विषय है। लेकिन आप देखिए देश के 5 राज्यों में कहां कितने मामले सामने आए हैं। धौलपुर में 5 मामले सामने आए हैं, राजस्थान का एक छोटा सा गांव जहां पर 5 मामले सामने आए हैं, उसके अलावा फरीदाबाद में 1, हिसार में 1, ये हरियाणा के शहर हैं जहां पर चोटी काटने की ये घटना सामने आई है, आगरा 1, फिरोजाबाद 1, गोरखपुर में 1 घटना, मथुरा में 1, वहीं गाजियाबाद में भी 1 घटना सामने आई है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अलग अलग वो राज्य हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं अगर मध्यप्रदेश की बात करें तो यहां पर शिवपुरी में 2 मामले सामने आए हैं, मुरैना में 1 मामला सामने आया है। दिल्ली की अगर बात करें, नजफगढ़ इलाके से 1 मामला सामने आया है, नांगल राय से 1 मामला, कापसेड़ा से 2, मायापुरी से 4 मामले सामने आए हैं। यहां पर महिलाएं ये कह रही हैं कि उनकी चोटी या फिर बाल काट लिए गए। दिल्ली एनसीआर समेत देश के तमाम इलाकों में महिलाओं की चोटियों के कटने का सिलसिला लगातार जारी है और हर एक नई वारदात के साथ इस मामले का रहस्य थोड़ा और गहराता जा रहा है। सवाल यही कि क्या इसके पीछे किसी की शरारत है, मास हिस्टीरिया है या फिर कुछ और। रोके नहीं रुक रहा है चोटियों के कटने का सिलसिला।
फिर से दिल्ली के एक ही परिवार में कटी चार चोटियां। नजफगढ़ और गाजियाबाद में भी हुए एक ही जैसे वाकये। आगरा में चुड़ैल के शक में बुजुर्ग महिला का कत्ल। आखिर क्या है कटती चोटियों के पीछे का रहस्य? दिल्ली पुलिस को फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का सहारा। 21वीं सदी में इन खबरों पर यकीन करने को जी तो नहीं चाहता, मगर सिर्फ चाहने न चाहने से क्या होता है। जिस तरह एक के बाद एक दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों से महिलाओं की चोटियां कटने और इसी चोटी कटने को लेकर फैली दहशत और कत्ल तक के मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद इन पर यकीन करने के सिवाय कोई चारा भी नहीं बचता है। कुछ लोगों की नजर में ये दिमागी फितूर हो सकता है, किसी की शरारत हो सकती है, कुछ लोग इसे मास हिस्टीरिया का नाम दे रहे हैं, जबकि कुछ दावे से इसके पीछे किसी रूहानी ताकत की बात कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि जब तक कटती चोटियों की इस तिलस्मी कहानी से पर्दा नहीं उठ जाता, तब तक ऐसी बातों और इन वाक्यों को लेकर फैलती अफवाहों पर शायद किसी का जोर नहीं। अब पश्चिमी दिल्ली के मायापुरी इलाके के इस परिवार को ही लीजिए। इस घर में एक माँ अपनी तीन बेटियों के साथ सो रही थी, लेकिन जब सुबह उनकी आंखें खुली तो बिस्तर पर पड़े अपने कटे हुए बालों को देखकर उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। देखते ही देखते खबर पूरे इलाके में जंगल में आग की तरह फैली और मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। यह अपने तरह की इकलौती वारदात नहीं थी, अब लगातार कटती चोटियों के सिलसिले से लोग खासे डरे हुए हैं। इस वक्त हम दिल्ली के नांगलराय इलाके में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप ये जो घर देख रहे हैं, दरअसल यहीं पर एक वाकया हुआ है, चोटी कटने का वाकया हुआ है। बताते हैं कि एक महिला है और उनके तीन बच्चे हैं जिनकी चोटी कटी है। बहरहाल पुलिस मौके पर है, अंदर पुलिस जो है जांच कर रही है, सीएफएसएल की टीम भी बुलाई गई है, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि दरअसल ये पूरा वाकया क्या है, क्योंकि सीएफएसएल ये बताएगी एग्जैक्टली कि जो फॉरेंसिक एविडेंसेस है वो लिफ्ट करेगी। यहाँ लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि दरअसल ये कब का वाकया है। सुबह 3 बजे के आसपास पुलिस को पता चला था। आप बताइए, आप कितने बजे के आसपास पुलिस को पता? रात को 3 बजे मेरे पास फोन आया, जो मैंने उसका फोन नहीं उठाया। उसके बाद हम स्कूल वैन चलाते हैं, हमारे स्कूल में जाते हैं गाड़ी, हमारी वैन में जाते हैं, तो जब हमने उनको फोन करा और उठाया तो हमने भाई बोली भाई बच्चे क्यों नहीं भेज रहा, कह रहा भाई ऐसा है बच्चों के तीनों के बाल काट दिए, तेरी भाभी के भी बाल कट गए। अब आइए आपको दिल्ली से महज 230 किलोमीटर दूर आगरा लिए चलते हैं। ताज नगरी आगरा के इस गांव में 62 साल की एक बुजुर्ग महिला को इसी चोटी काटने की वारदात की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ये महिला सुबह सवेरे अपने घर से नित्य क्रिया के सिलसिले में निकली थी, लेकिन रास्ता भटक गई। उधर जब अंधेरे में लोगों ने एक बुजुर्ग महिला को अपने इलाके में घूमते हुए देखा तो उसे चोटी काटने वाली चुड़ैल समझकर इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी जान चली गई। इस समय हम उस जगह पे मौजूद है जहां पर जिस घर के लोगों पर यह आरोप है कि महिला की पिटाई की गई, उन लोगों ने ही महिला की पिटाई की, वो घर के लोग जो हैं इस समय हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या था, क्या हुआ था। वो बुजुर्ग महिला यहाँ पर आई थी 2 बजे आई यहाँ, अमन जानी की चुरेली के बे आई, भूतरी आई, जब वाला है रोज तो भाई सफेद बार है, अमन ने तो बे ही दिखाई देंगे भैया, अमन तो एकदम गिगी बन गई है भाई, टेटो पकड़े जमाने की गिगी बन गई, आ गई बे आ गई एकदम मोड़ी बड़ा बहगा बे आए आ गए सगर अमन जाठी बह गए अमनी एकदम अमय ना हो उस मैं देखिए बड़ी बूढ़ी बार थे मैं बहस ना देखिए मैंने कितम गई है कितम ना चली गई। हालांकि लोगों की माने तो बुजुर्ग महिला ने भीड़ से घिरने के बाद अपनी पहचान भी बताई और काफी सफाई दी, लेकिन लोगों के दिलो दिमाग में अंधविश्वास और अफवाह इतना हावी था कि कोई भी कुछ सुनने को तैयार नहीं हुआ। जब लाठी पड़ी तो डोकरी ने कही कि भाई मैं शेर सिंह की मेहता ही, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मुझे मारो मत। फिर भी जानबूझ के उन्होंने इतना मारा कि मारते मारते उसकी थोड़े बहुत देर में ही दम निकलवे की तैयारी भई, फिर हमारे दरवाजे पर डाल गए उसे, और दरवाजे पर डालवे के बाद में मुझे सूचना मिली, मैं इनके घर खबर करने के लिए आया, और खबर करने के बाद में इनके लड़का गए हैं उसको उठा के लाए हैं, उठा के ले जाने के बाद में फिर डोकी ले गए थाने में। ऐसी ही दो और वारदात दिल्ली के नजफगढ़ में हुई। यहाँ पूरे परिवार के साथ धर्मपुरा इलाके में एक घर में सो रही महिला की चोटी रहस्यमय तरीके से कट गई, जबकि उज्जवा गांव में 9वीं क्लास की एक छात्रा के साथ ऐसी ही घटना हुई। दोनों ही घटनाओं के बाद पूरे इलाके के लोग दहशत में हैं।
गाजियाबाद में भी ऐसी ही एक वारदात से लोग सकते में हैं। यहां लोनी इलाके में एक महिला दोपहर के वक्त अपने बच्चों को स्कूल से लेकर लौटी और घर में घुसते ही बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया तो बाल कटे हुए थे। उसका कहना है कि उसने अपनी आंखों के सामने किसी बाबा जैसे इंसान को देखा और उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं। उनके कपड़े चेक कर रहे हैं, खड़ी हुई थी, पता न लगी गिर गई थी। जब उस विनायक बाबा की पहचान से पड़ती ना पता। तो आपको नहीं पता ये आपके बाल किसने काटे हैं? नहीं। तो क्या कौन दिखाई दिए थे आपको? एक बाबा से दिखाई दिए। क्या बोल रहे थे बाबा? बाबा ने तो कुछ भी नहीं बोले। उसके बाद क्या देखा आपने? कुछ भी ना देखा। आपको पता नहीं चला आपके बाल किसने काटे? ना। दोपहर 1:30 बजे स्कूल से बच्चे को लेकर आई थी। जब बच्चे को लेकर आ गए, बच्चों के कपड़े चेंज करने में बैठी थी, तुरंत के सिर में दर्द हुआ और सिर में दर्द होने के कारण एक बाबा से दिखाई दिए, जिस कारण ये बेहोश हो गई। वो बेहोश होने के बाद ये होश में आई, इनके पास एक कैंची और इनके बाल कटे हुए पाए। इन्हें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, और ये इस हालत में नहीं है कि अपने मुझे खुद बता सके कि इनके साथ क्या दुर्घटना घटी है। फिलहाल लगभग सभी मामलों में पुलिस को खबर दी गई है, लेकिन हकीकत यही है कि पुलिस के पास अपने मुखबिरों से कोई करिश्माई जानकारी मिलने की उम्मीद के सिवाय फिलहाल कुछ भी नहीं है। मथुरा से मदन गोपाल, अनुज मिश्र और दिल्ली से ओपी शुक्ल और अनिल बालियान के साथ चिराग गोठी आज तक। दिल्ली एनसीआर में चोटी काटने के मामले में इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेस के निदेशक निमेश देसाई का कहना है कि इस मामले की भी स्टडी की जा रही है। कुछ पहलू ऐसे हैं जो मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा से संबंध रखते हैं, लेकिन साथ साथ इस केस में जो सोशियो कल्चरल सांस्कृतिक और सामाजिक धारणाएं हैं, बिलीफ सिस्टम है, वो और मायने रखती है। मसलन अगर किसी बात में न सिर्फ मेरी मान धारणा ऐसी हो कि ऐसा होता है, लेकिन अगर मेरे कल्चर के, मेरे गांव के, कस्बे के ज्यादातर लोग भी उसमें मानते हो, तो वहां आसानी से साइकेट्रिक या साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस नहीं बनाते हैं। ये इंसिडेंट जो रिपोर्ट हो रही है, ये एक खास तौर से जो लगता है ये भ्रम फैलाया जा रहा है, और इसमें कोई भी इसमें मिस्ट्री नहीं है। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये इस तरीके की बातें जो हैं बच्चों को काफ़ी स्केयर करती है, बच्चों के साइंटिफिक टेंपर को ठीक तरीके से नहीं डेवलप करती है। एंड दीज इंसिडेंट्स शुड नॉट बी ओवर रिपोर्टेड, एंड दीज आर इंसिडेंट्स विच आर टोटली द एक्टिविटी ऑफ एन इनसाइडर फॉर व्हाटसोएवर रीजंस। इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दें, आज शाम 5 बजे से देखना ना भूलिए हमारी खास पेशकश क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी, जिसमें मेडिकल कॉलेजों में किस तरह से सज रही है मंडी, खुलासा करेंगे शाम 5 बजे से।